आदरणीय बंधुओं, माताओं व मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आपका हमारे इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में अनंत चौदस की कथा सुनेंगे, जिसे सुनने सुनाने से भगवान श्री हरि की कृपा से अनंत पुण्यों की प्राप्ति होती है, घर में से दुख दरिद्रता का नाश होता है, सुख संपन्नता का वास होता है। कथा सुनने के बाद यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। बंधुओं, भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को अनंत चौदस के रूप में मनाया जाता है, जिसका हमारे हिंदू धर्म शास्त्रों में बहुत अधिक महत्व बताया गया है। इस दिन क्षीर सागर में शेष नाग की शैया में निद्रा मगन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। पूजा के समय इस मंत्र का उच्चारण किया जाता है, अनंत सर्व नागा नाम धीपा सर्व कामदा, सदा भूयात प्रसन्नो में भक्ता नाम भयंकर। यहाँ भगवान श्री हरि कृष्ण रूप हैं और शेषनाग काल के रूप में विद्यमान रहते हैं, इसलिए दोनों की सम्मिलित पूजा की जाती है। इस दिन भगवान अनंत का व्रत किया जाता है। इस व्रत को धारण करने वाला प्रातः स्नान करके व्रत का संकल्प ले, फिर चौकी के ऊपर मंडप बनाकर अक्षत से स्वास्तिक या अष्टदल कमल बनाकर कलश रखे, फिर कलश पर भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करें। उसके समीप 14 गांठ लगाकर हल्दी से रंगे कच्चे सूत के डोरे को रखें। आप ये डोरा रेशम के धागे से भी बना सकते हैं। फिर गंध रोली मोली गुड़ चावल धूप दीप नैवेद्य से पूजन करें। इसके बाद अनंत रूप में विराजमान भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए कथा का श्रवण करें। स्त्रियां इस डोरे को अपनी बाएं भुजा में और पुरुष दाहिनी भुजा में धारण करें। श्रद्धा युक्त होकर इस व्रत को रखते हुए संध्या को बिना नमक वाला मीठा भोजन करें। यह डोरा जो धारण करता है उसे अनंत फल की प्राप्ति होती है। इसे धारण करने से दरिद्रता का नाश होता है, शारीरिक और मानसिक बल मिलता है। जिस भी विशेष इच्छा से ये व्रत रखा जाता है वह भगवान अनंत की कृपा से पूर्ण होती है, ग्रह दोष से मुक्ति मिलती है। यह अनंत सूत्र रक्षा कवच की तरह कार्य करता है। व्यक्ति का जीवन सुख समृद्धि और खुशहाली से भर जाता है। इस व्रत को करने वाला लगातार 14 वर्षों तक इस व्रत को करता है। इस दिन नए डोरे को अनंत भगवान का आशीर्वाद लेकर धारण किया जाता है और पुराने को खोलकर विसर्जन कर दिया जाता है। आइए अब सुनते हैं अनंत चौदस की कथा। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञशाला इतनी सुंदर और मनोरम बनाई गई कि जल और स्थल एक समान प्रतीत होते थे। जब दुर्योधन यज्ञ में शामिल होने के लिए वहां पहुंचा तो जल और थल की भिन्नता को ना जानते हुए वह गिर पड़ा। तब द्रौपदी ने दुर्योधन का उपहास उड़ाते हुए कहा कि अंधों की संतान अंधी होती है। यह बात दुर्योधन को आहत कर गई और बदला लेते हुए उसने पांडवों को द्रुत कीड़ा में हराकर प्रतिज्ञा अनुसार उन्हें 12 वर्ष का वनवास दिया। युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण को सारा वृत्तांत सुनाकर उन कष्टों को दूर करने का उपाय पूछा।
तब भगवान कृष्ण ने पांडवों को अनंत व्रत करने की सलाह दी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, अनंत भगवान का पूजन कर इस व्रत को धारण करने से तुम्हारे सब कष्ट दूर हो जाएंगे और तुम्हारा खोया राज्य तुम्हें वापस मिल जाएगा। भगवान बोले, हे युधिष्ठिर, इस विषय में मैं तुम्हें एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ, सुनो। प्राचीन काल में सुमंत नाम का एक ब्राह्मण था। उसकी पत्नी का नाम दीक्षा था। उनकी सुशीला नाम की एक पुत्री थी। सुशीला के कुछ बड़ा होने पर उसकी माँ दीक्षा की मृत्यु हो गई। ब्राह्मण ने कर्कशा नाम की स्त्री से दूसरा विवाह कर लिया। कर्कशा सुशीला से दुर्व्यवहार करती थी। सुशीला के बड़ा होने पर ब्राह्मण ने कौंडिन्य ऋषि से उसका विवाह कर दिया। पुत्री को विदा करते हुए ब्राह्मण ने कर्कशा से कहा कि पुत्री को उपहार स्वरूप कुछ दे दो। कर्कशा ने कुछ ईंट पत्थर उनके साथ बांध दिए। कौंडिन्य ऋषि यह देखकर दुखी हुए और सुशीला को लेकर अपने आश्रम की ओर चल दिए। चलते चलते संध्या का समय हो गया और वे दोनों एक नदी के तट पर रुककर संध्या करने लगे। सुशीला ने वहां कुछ स्त्रियों को पूजा करते देखा। सुशीला ने उनसे पूछा, आप क्या कर रही हो? तब उन्होंने सुशीला को अनंत व्रत की महिमा बताई। सुशीला ने भी व्रत का अनुष्ठान कर 14 गांठों वाला डोरा अपने हाथ में धारण किया और फिर अपने पति कौंडिन्य ऋषि के समीप आई और उन्हें सारी बात बताई। कौंडिन्य ऋषि कर्कशा के व्यवहार से पहले ही दुखी थे। ऐसे में सुशीला की बात सुनकर और क्रोधित हो गए और डोरा तोड़कर फेंक दिया। इससे अनंत भगवान का अपमान हुआ और ऋषि ज़्यादा दुखी रहने लगे। दरिद्रता का उनके घर में वास हो गया। एक दिन उन्होंने सुशीला से इस बात पर चर्चा की तो सुशीला ने उन्हें कहा कि आपने डोरा तोड़कर अनंत भगवान का अपमान किया था, ये उसी का परिणाम है। तब अपने किए पर पश्चाताप करते हुए ऋषि पुनः डोरे की प्राप्ति के लिए वन को गए और डोरे को ढूंढते ढूंढते भूख प्यास से व्याकुल श्री हरि को याद करते हुए वहीं गिर पड़े। तब अनंत भगवान ने उन्हें दर्शन देकर कहा, हे कौंडिन्य, तुमने मेरा तिरस्कार किया था, उसी से तुम्हें इतना कष्ट भोगना पड़ा। अब तुम्हें पश्चाताप हुआ है तो घर जाकर अनंत का अनुष्ठान 14 वर्ष तक करो। इससे तुम्हारे दुख दरिद्रता नष्ट हो जाएंगे और तुम धन धान्य से संपन्न हो जाओगे। घर आकर कौंडिन्य ऋषि ने अनंत व्रत को किया, डोरे को धारण किया, जिससे उन्हें सभी दुखों से मुक्ति मिली। इस प्रकार भगवान कृष्ण से सुनकर पांडवों ने भी इस व्रत को किया, जिसके प्रभाव से पांडव महाभारत के युद्ध में विजय हुए। उन्हें उनका राज्य पुनः प्राप्त हुआ और चिरकाल तक उन्होंने राज्य को भोगा। इस प्रकार जो भी मनुष्य इस व्रत की महिमा को जान इसे करेगा, वह सभी दुख दरिद्रता से मुक्त हो संपन्नता को प्राप्त करेगा। बंधुओं, भगवान श्री हरि विष्णु के अनंत स्वरूप की पूजा आप सभी को अनंत फल प्रदान करे, सुख सौभाग्य में वृद्धि करे, शारीरिक व मानसिक बल दे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।